हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज द सेकंड ब्लॉग ऑफ माय चैनल एंड दिस वीडियो आई हैव मेंशनड ऑल ऑफ थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू एलपी हॉस्टल्स, फोर सीटर हॉस्टल। इस वीडियो में मैं सभी चीज़ बताऊंगा और जो एलपीयू फोर सीटर में अवेलेबल होता है, फोर सीटर कैसा है, कितना चार्ज होता है उसका, किस तरह का हॉस्टल रहता है, क्या सब चीज़ उसके अंदर में अवेलेबल रहता है, क्या सब आपको फैसिलिटी मिलता है, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको मिलने को दिख रहे होंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को रेड आइकन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको जब भी वीडियो अपलोड हो ब्लॉग से रिलेटेड, एलपीयू का हॉस्टल से रिलेटेड या बहुत तरह का कंटेंट से रिलेटेड सारे, तो आपको वह इम्पोर्टेंट वीडियो आफ्टर मैसेज के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच जाए। तो इसी तरह मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, फेसबुक का लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो, आप हमको फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे हमको आप को भी जिसका भी इंटरनल प्रॉब्लम है एलपीयू से रिलेटेड वह हमसे डिस्कशन कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि एलपीयू में यहाँ पे यूट्यूब में सारा चीज़ बताना कम्युनिटी गाइडेंस के खिलाफ है। तो ओके, तो इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा जो फोर सीटर में क्या सब फैसिलिटी उपलब्ध होता है, और किस तरह का बेड मिलता है और कितना चेयर मिलता है, जितना कुर्सी मिलता है, कितना बोर्ड आपको मिलता है, कितना फैंस है फोर सीटर नॉन एसी में, कितना फैंस है, किस तरह का कूलर रहता है और कूलर में क्या कितना पानी रहता है या आपको किस तरह को उसको मैनेज करके चलना पड़ता है, और बाथरूम सब कैसा रहता है, बाथरूम आपको किस तरह का मिलता है, और ना आपको बाथरूम वाला जो मटेरियल रहता है वो किस तरह से मैनेज किया गया है नॉन एसी फोर सीटर में यहाँ पे आपको फीस सब चीज़ आपको मिल रहे होंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लाते हैं और लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके एलपीयू के बारे में। और जब भी आप एडमिशन ले तो उससे पहले आप लोग फ्रेशर है ना अभी, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं आपको शेयर करूँगा, तो उससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ना ही सिर्फ ब्लॉगिंग चैनल आपको यहाँ पे एप्लीकेशन से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो सारे चीज़ आपको फाइनेंशियल मार्केटिंग, फाइनेंशियल ऐप्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट ऐप्स के बारे में, स्टॉक्स रिलेटेड ऐप्स के बारे में सारे चीज़ का इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे आपको मिल रहे होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं फोर सीटर रूम में। जैसे कि मैंने बताया इससे पहले, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरह का बेड आपको मिलेगा। यहाँ पे एक लड़का है जो देखिए किस तरह का बेड मिलता है, ये वन सीटर। यहाँ पे एक टेबल का व्यवस्था किया गया है, टेबल फैसिलिटी मिलता है। यहाँ पे दो सीटर है, ये तीन सीटर है, ये तीन तीसरा बेड है, ये चार बेड है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल चार बेड है, यानी ये चार सीटर है, तो इसी को चार सीटर बोलते हैं। यहाँ पे चार टेबल भी है, देख सकते हैं ये पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है, ये तीसरा टेबल है और उसके बगल में है चौथा टेबल। यहाँ पे आपको चार कुर्सी भी मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा बात है। एक यहाँ पे है, एक बाहर में है रखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं एक बाहर में है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे वहाँ पे रखा हुआ। यहाँ पे आपको चार अलमीरा भी मिलेगा, यानी आप लोग प्रत्येक के लिए एक अलमीरा यहाँ पे फैसिलिटी है। एक अलमीरा यहाँ पे। और इन भैया से पूछते हैं जो आपका एक्सपीरियंस कैसे गया यहाँ पे, किस तरह का पढ़ाई होता है, क्या टीचर हेल्पफुल होता है कि नहीं, तो भैया से पूछते हैं।
है भाई आप थोड़ा दर्शक को बताइए जो आप कितने साल से हो यहाँ पे, कितना एक्सपीरियंस आपने गेन किया। मैं अभी तो नया नया हूँ, अच्छा आप फ्रेशर फ्रेशर हूँ मैं अभी, नया फ्रेश आया हूँ। है। अच्छा तो भैया देख रहे हैं भैया नए नए हैं, तो भैया नए नए। अच्छा दर्शक हमारे दर्शक जाना चाहते हैं जो आप नए नए हैं, तो आपको किस तरह अब आप फील कैसे कर रहे हो यहाँ पे आज। तो भैया ये भैया बताएंगे जो आप यहाँ इनका एक्सपीरियंस क्या रहा, ये अभी फ्रेशर हैं तो ये बताएंगे जो यहाँ पे आए तो इस इनको कैसा फील हो रहा है, तो इनसे आपको बहुत सारे चीज़ पता कर मिलेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सारा चीज़ ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो भैया तो आप बताइए जो आप कौन से डिपार्टमेंट में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा आप MCA में हैं, तो भैया MCA में हैं अभी नए नए आए हैं यहाँ पे, और आपका कैसा कब से क्लास शुरू होने वाला है यहाँ पे। अच्छा भैया का क्लास 19 से शुरू होने वाला है, और इनको कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस पे पूछते हैं आप। मतलब यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको आए हुए। अच्छा भैया को यहाँ पे 10 दिन हो चुके हैं आए हुए, तो भैया 10 दिन बताएंगे जो 10 दिन में भैया क्या क्या सब मतलब देखे यहाँ पे, कि क्या सब एक्सपीरियंस रहा तो पूछते हैं। 10 दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या सब देखे आप कैंपस में, किस तरह का कैंपस है बताइए। अभी तो हिंदुस्तान पास सुबह बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी और अच्छा भाई, कॉलेज है, बहुत बड़ा है। अच्छा भैया बोल रहे हैं जो कॉलेज बड़ा है, लेकिन ये नहीं है जो कॉलेज बड़ा है तो आपको यहाँ पे सावधानी बरत के चलना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बहुत गर्मी होता है, बहुत गर्मी नहीं ठीक ठाक, तो भैया का यही कहना है जो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, और भैया को बहुत अच्छा कैंपस लगा, इनका ये कहना है जो कैंपस इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा फैसिलिटी कैंपस में है, और भैया क्या सब आपको फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है, एक्सप्लोरेंस कितना है यहाँ। अच्छा भैया कहना है जो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे 0% यहाँ पे यहाँ पे आपको मॉल भी मिल जाएगा कैंपस के अंदर में, और उस मॉल बहुत बड़ा मॉल है, उस एक मॉल में आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे, एक एक छोटा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, भैया का ये कहना है। तो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने भी भैया जो कह रहे वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और मुझे भी मेरा भी यही कहना है आप लोगों को जो यहाँ पे सारे चीज़ अवेलेबल है, और यहाँ पे मेस भी बहुत अच्छा खाना देता है, यहाँ का जो मेस है वह बहुत अच्छा खाना देता है आपको, बेसिक में भी आप है ना तो आपको बेसिक में भी बहुत अच्छा खाना मिलता है, ये नहीं जो आपको बेसिक में अच्छा मिलेगा स्टैंडर्ड में कम मिलेगा, आपको पता नहीं है जो यहाँ पे एक दो तरह का मेस होता है, एक आप बेसिक ले सकते हो स्टैंडर्ड ले सकते हो, बेसिक में आपको लिमिटेड रहेगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रहेगा, और स्टैंडर्ड में आपको ज़्यादा स्टैंडर्ड में आपको अनलिमिटेड रहेगा, बहुत सर बेटर हाँ। तो भैया कहना है जो दोनों बहुत अच्छा है, दोनों अच्छा है, किसी में कोई आप भेदभाव नहीं कर सकते, दोनों बहुत अच्छा खाना देता है, दोनों में बहुत अच्छा आप लोगों को खाना मिलेगा। तो भैया यहाँ पे आपको पानी कैसा मिलता है, पानी। अच्छा भैया कहना है जो यहाँ पे हाँ, तो भैया यहाँ पे पानी कैसा आप। हाँ पानी यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी यहाँ सामने ही मिल जाती है, जाना नहीं पड़ती यहाँ ज़्यादा दूर पानी लाने के लिए। हाँ सब कुछ ठीक है, पानी अच्छा। तो भैया भैया का कहना है जो भैया का कहना है जो यहाँ पे पानी आपको जहाँ पे जिस भी फ्लोर में है सब फ्लोर में एक टंकी अवेलेबल है, और वह टंकी आपको 24 घंटा अवेलेबल है। अच्छा भैया से कन्फर्म होता है कि 24 आवर्स इज अवेलेबल। भैया कहना जो यहाँ पे 24 घंटा अवेलेबल है, और यही मेरा एक्सपीरियंस, मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि यहाँ पे 1 मिनट भी आपको पानी का दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, तो ये क्लियर हो जाता है जो आप लोग यहाँ पे आएंगे तो हॉस्टल लेते ले रहे हो तो आपको सभी घंटे 24 घंटा में 1 भी मिनट आपको पानी का समस्या प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा, आपको 24 घंटा यहाँ पे वाटर अवेलेबल है। तो
भैया से पूछते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे कोई किस परेशान करता है कि नहीं किसी को, बैग सब फ्रैंक ही है। अच्छा, तो भैया का कहना है जो यहाँ पे सब फ्रेंडली है, सब आपको फ्रेंडली मिलेगा, आपको सब सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, और जिससे आप तो विकसित कर ही पाएंगे, साथ ही जो भैया वो भी विकसित करेंगे। यहाँ पे आपको 0% यहाँ पे अच्छी है, 0% यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का आपको कहीं पर भी बदमाशी या बदमाशी कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको स्मोकिंग ड्रग्स वगैरह सभी चीज़ बैन है। अगर आप लोग कहीं पर पकड़े गए तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे पूरा रफ एंड क्लीन कैंपस है। तो चलिए भैया, लास्ट में आप लोग हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, तो लास्ट में आप हमारे दर्शक को क्या बोलना चाहेंगे? जो भी हैं यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं तो ठीक है, हॉस्टल में कोई मतलब कोई खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब बेटर है। बस यही है थोड़ा ज़्यादा दूर जाना आना पड़ता है, दूर रहता है हॉस्टल से, क्लास जाने आने चलता है चलने के लिए। सब भैया का कहना है जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे अगर आप जहाँ पे आपका स्टडी वाला पढ़ रहा है ब्लॉक, उससे आपको दूर में अगर हॉस्टल अलॉट कर दिया गया है, तो उस हॉस्टल को आप अगर चाहे तो उसके बाद में बाहर में, मतलब उसके जहाँ पे स्टडी लगा उसके सामने नियर में ले लीजिए, क्योंकि आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत दूर दूर में हॉस्टल बनाया गया है, तो आपको यहाँ पे जाने आने का समस्या बहुत फेस करना पड़ सकता है, चलना बहुत पड़ेगा। भैया का यही कहना है जो आपको बहुत चलना होगा, इसलिए आपको मैंने बता दिया, जो अगर आप इस तरह का समस्या आ रहा हो तो आप लोग बगल में अलॉट कर सकते हो। आप लोग हॉस्टल चेंज करवाने में कहीं किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। 26 ब्लॉक में 110 रूम में आप लोग चले जाइए, अगर वहाँ पे नहीं हो रहा है तो 36 ब्लॉक में बेसमेंट 2 में आराम से आपका हो जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे जाके जितना मन चाहे यानी 10 बार आराम से बदला सकते हो रूम, कहीं भी कोई भी इसी तरह का दिक्कत नहीं है। यही भैया का कहना है और यही मेरा भी एक्सपीरियंस रहा, मतलब भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं और बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पूछते हैं तो भैया यहाँ पे किस किस तरह का स्पोर्ट अवेलेबल रहता है और क्या पेड रहता है, उस तरह का हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं। भैया कहना है जो अगर आप लोग कोई भी गेम किसी भी तरह का रुचि हो, चाहे आपको रिटेन में रुचि हो, चाहे आपको पोएट्री में, चाहे आपको डिबेट में, चाहे आपको क्रिकेट में, चाहे आप बास्केटबॉल में, आपको एथलेटिक्स में, सभी तरह का गेम यहाँ पे 100+ गेम यहाँ पे अवेलेबल है, और वह भी आपको ज़्यादातर गेम आराम से फ्री में मिल जाएगा, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग उसमें अच्छे हो तो आराम से नेशनल पे जाके स्कॉलरशिप आपको अच्छा खासा कैंपस देता है। अगर आप लोग अच्छे हो तो भाग लीजिए, को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भाग लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर रूप से अपना डेवलपमेंट हो सके। तो भैया से पूछते हैं जो क्या करिकुलम एक्टिविटीज़ का क्या रोल होता है भाई? तो दर्शक यह जानना चाहते हैं आपसे जो करिकुलम एक्टिविटीज़ का हमारे स्टडी के ड्यूरेशन में कितना रोल होता है स्टडी के लिए? फिटनेस तो बहुत जरूरी है। भैया कहना है जो पढ़ती है, भैया कहना जो आप लोग दोनों लेके चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा स्किल है, खेलने का अच्छा स्किल है, आप लोग अच्छा मतलब कर सकते हो लग रहा है, तो आराम से टेम्पो से भाग लीजिए, आराम से आपको प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आप लोग को दोनों लेके चलना है, तभी आप लोग सही रूप से ठीक रहोगे, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको फिटनेस भी देख के चलना है। अगर आपको पास फिटनेस है तो आपके पास सब कुछ है, ये देख के चलना है। तो ठीक है भैया को, भैया लास्ट में सबसे कुछ क्या बोलना चाहेंगे? थैंक्स, बाय। हाँ, थैंक्स।
फ्रेशर्स हैं जिसको मैंने यहाँ आने का क्या तो गाइस जैसा कि आपने देखा जो भैया ने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, जिस भी तरह का चीज़ सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया और सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया तो हाँ तो अब मैं इसका बाथरूम में इसका मैं बाथरूम में जाता हूँ जो कि सर का इसमें बात करने का सामान सब है, बात करने का किस तरह का सामान है। हाँ तो बाथरूम का देखिए यहाँ पे बाथरूम रूम में आपको ये सब मिलता है, ये सब करने के लिए तो ये सब मिलता है आपको। हाँ दो रैक मिलता है, एक रैक जैसे कि आपको देख रहे हैं रैक मिल रहा है, ये रैक है और यहाँ पे बहुत अच्छा दो नल है और ये आपका झरना है और इससे आप आराम से 24 घंटा पानी रहता है आराम से, नीट एंड क्लीन बाथरूम का जैसे बना दिया जो कैसे धोना चाहिए क्या सब करना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे आपको बाथरूम में एक एना मिल जाता है और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे नीट एंड क्लीन बाथरूम आपको यहाँ पे सभी चीज़ मिल जाता है। नीट एंड क्लीन यानी पूरा साफ़ सुथरा मेंटेनेंस के साथ बाथरूम है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पूरा कलर सब पूरा नया नया चढ़ा हुआ है सब महीने यहाँ पे कलर चढ़ता है और बहुत अच्छा चीज़ है जो एकदम सफाई होता रहता है। और देख सकते हैं यहाँ पे बाथरूम है ये पुरानी टेक क्लीन है और देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा है। और देख लिया जो क्या सब चीज़ इसमें क्या सब चीज़ इसमें दिया गया है। तो ठीक है गाइज आप लोग जैसा कि देखे जो इसमें मेरा आज इस वीडियो में पता चला जो भैया ने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया जो क्या सब उन्होंने यहाँ पे देखा, हाँ क्या सब यहाँ पे है एक्सप्लोर करने के लिए सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मैं बताऊँगा जो अब मैं आपको पूरा फोर सीटर में जितना भी चीज़ होता है फैसिलिटी सब मैं दिखा दिया जो आपको बाथरूम मिलता है वाशरूम मिलता है क्या सब फैसिलिटी यहाँ पे है। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे ये बहुत साफ सुथरा है सब चीज़ का मेंटेनेंस करके रखा गया है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फोर सीटर बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए और बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें सारा फैसिलिटी उपलब्ध है आपको। जो ये फोर सीटर का पूरा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुका है इस वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शुक्रिया बहुत आप लोग वीडियो देखने के लिए और लास्ट तक देखने के लिए। अगर अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जब लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करिए और किसी भी तरह कमेंट होता है तो कमेंट करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है मेरा, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम का फॉलो करके मेरे से कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और फेसबुक का भी है, वहाँ पर भी फॉलो करिए और वहाँ पे इंटरनल इंस्टाग्राम पे आप इंटरनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी है, उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ओके तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग मेरा जितना भी टॉपिक इस ब्लॉग का बनाना बताना चाहिए तो मैंने बता दिया आप लोग, ये पूरा रियल थिंग है, मैंने आपको सब चीज़ दिखाया जो क्या सब चीज़ होता है सब चीज़ मैंने करके दिखाया। तो ठीक है मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, बने रहिए हमारे साथ, बस यही।